गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में काफ़ी टाइम की बात से मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ, जिसमें कि मैंने ग्लिटरी आई पिंक कलर का मैंने क्रिएट किया है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इजी पी सा मेकअप लुक है। तो इसको मैंने कैसे क्रिएट किया है, सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कीप वॉचिंग। सो लेट स्टार्ट वीडियो। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने फेस को हाइड्रेशन प्रोवाइड करने से। तो मैं यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का ग्रीन टी फेस टोनर विथ ग्रीन टी एंड कोलाजन, जो कि ओपन पोर्स के लिए काफ़ी अच्छा ये काम करता है। अल्कोहल फ्री है, मेड सेफ है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। एंड इसे यूज़ करने के बाद से मेरी जो स्किन है काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटेड फील करती है। आपको हाइड्रेशन का एक्स्ट्रा डोज ये प्रोवाइड करता है। नेचुरल गुडनेस ऑफ ग्रीन टी है, जो कि आपके फेस से एक्सेस ऑयल को रिमूव करेगा एंड आपके फेस के पीएच बैलेंस को ये मेंटेन करके रखता रहता है। देन मैं यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का ग्रीन टी डे क्रीम, जो कि आपको SPF 30 के साथ मिल जाता है एंड आपको ये 24 आवर हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा। अच्छा, इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, ये आपको SPF के साथ आता है, ये आपकी स्किन को एक ग्लोइंग और यूथफुल स्किन तो देगा ही, साथ में आपकी स्किन को ये डैमेज होने से भी बचाएगा। एंड ग्रीन टी तो एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि हेल्प करता है आपके जो न्यू एक्ने आएंगे ना उनको आने से स्टॉप कर देगा। एक्ने प्रोन स्किन के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, आपके पोर्स को टाइटन अप करता है, आपकी स्किन इलास्टिसिटी को ये बूस्ट करता है। सो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, यू कैन चेक आउट। एंड एवरी टाइम यू बाई फ्रॉम देम, दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन दी वेबसाइट 283 डेट डे प्लान। मामा अर्थ इज एन इंडियन एंड प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड एंड इनके सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, तो आपको मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। और आप मेरा कूपन कोड यूज कर लेना, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा मामा अर्थ की वेबसाइट पे एंड मामा अर्थ की ऐप पे। एंड मामा अर्थ के जितने प्रोडक्ट्स रहते हैं वो सारे के सारे हार्मफुल केमिकल्स से फ्री रहते हैं, एंड इसलिए मुझे ये सारे प्रोडक्ट्स और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो अब हम डायरेक्ट चलते हैं मेकअप के ऊपर। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कलर कैरेक्टर। मैं यूजुअली ये सब यूज़ नहीं करती कलर कैरेक्टर वगैरह, बट आज मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि पूरा प्रॉपर वेडिंग वाला वाइब चाहिए। मैंने थोड़ा सा अपने अंडर आई एरिया पे थोड़े से, मतलब जहाँ जहाँ मुझे थोड़े बहुत डार्क स्पॉट्स हैं वहाँ पे मैंने इसको यूज़ कर लिया। एंड पतली सी एक ब्रश लेके मैंने उसको हल्का हल्का सा ब्लेंड कर लिया है। एंड ये कुछ इस तरह से पूरा ऑरेंज ऑरेंज सा हो गया था। एंड उसके ऊपर मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया है। कंसीलर मैं पहले यूज़ कर रही हूँ ताकि वो जो पूरे ऑरेंज कलर है थोड़े से हाइड हो जाए, देन मैं फाउंडेशन को यूज़ करने वाली हूँ। कंसीलर यूज़ करने के बाद से मैंने उसको अगेन थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया। आपको पूरा एकदम अच्छे से ब्लेंड नहीं करना है, आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा बस ब्लेंड करना है कि ताकि थोड़े से जो कलर है ऑरेंज वाले थोड़े से हाइड हो जाए। देन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन। तो फाउंडेशन को मैंने सेम ब्रश की हेल्प से पहले अपने फेस के ऊपर हल्का हल्का सा अप्लाई कर लिया। फाउंडेशन डायरेक्टली बहुत ही ज़्यादा लेके मत अप्लाई करना, नहीं तो इससे जो आपका पूरा मेकअप लुक है बहुत ज़्यादा केकी हो जाता है एंड आपको आइडिया नहीं लगता कि आपको कितना चाहिए आपके फेस के ऊपर। तो इसलिए पहले आप थोड़ा थोड़ा सा ले लो, देन उसको ब्लेंड कर लो। अगर आपको कवरेज कम लगता है देन आप थोड़ा सा और लेके फाउंडेशन को अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ब्रश की हेल्प से मैंने अपने बेस को अच्छे से ब्लेंड कर लिया एंड अभी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आई है, मतलब बहुत ही अच्छा मुझे ये पूरा बेस मेरा लग रहा है। एंड उसकी वजह से मैंने कॉम्पैक्ट की हेल्प से उसको सेट कर लिया है। मैं कॉम्पैक्ट बहुत ही बिल्कुल थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि विंटर्स का टाइम है, कॉम्पैक्ट ज़्यादा यूज़ करोगे आपका पूरा मेकअप लुक ख़राब हो जाता है, पूरा वो फटने लगता है, मतलब अजीब से ड्राई ड्राई दिखने लगता है। तो बेस अभी मेरा काफ़ी अच्छा हो गया। अब हम चलते हैं आईब्रोज़ के ऊपर। आईब्रोज़ के लिए मैं यहाँ पे ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ अपने आईब्रोज़ को फिल करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नेचुरल लगते हैं, ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा फेक लगने लगता है। देन हम चलते हैं आई मेकअप की तरफ। तो पिंक और येलो का जो कॉम्बिनेशन होता है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं हल्का सा पहले येलो कलर लेके अपने आईलिड के ऊपर मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ एंड मैं थोड़ा थोड़ा सा उसको ब्लेंड करते जाऊँगी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। एंड देन मैं यहाँ पे लाइट पिंक कलर ले रही हूँ एंड उसको मैं अपने क्रीज के पास पूरा ब्लेंड करूँगी। मैंने बहुत ही छोटा सा एक ब्लेंडिंग ब्रश लिया है एंड वहाँ पर मैंने इसको ब्लेंड किया है। एंड सेम पैलेट में से मैंने डार्क पिंक कलर लिया है एंड उसको मैं आउटर कॉर्नर पे और क्रीज के ऊपर पूरा अंदर तक मैं उसको डेप्थ देने की कोशिश कर रही थी। तो कुछ इस तरह से इसका मैंने बेस क्रिएट किया है येलो एंड पिंक कलर में। देन मैं यूज़ कर रही हूँ पिंक कलर का ग्लिटर, इसमें आपको छोटे और बड़े दोनों ही ग्लिटर्स मिल जाते हैं और ये है ग्लिटर ग्लू। एंड ये पूरा 12 का सेट आता है जिसमें कि आपको बहुत ही अच्छे अच्छे डिफरेंट कलर्स के ग्लिटर्स मिलते हैं, बहुत ही प्यारे वाले ग्लिटर्स हैं ये। एंड इसका जो ग्लू है, सबसे पहले मैं अपनी आईलिड के ऊपर इसको अच्छे से एक स्मॉल ब्लेंडिंग, मतलब स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैंने अच्छे से ग्लू को अपनी आईज़ के ऊपर अप्लाई कर लिया है। देन मैं ग्लिटर्स को अप्लाई करने वाली हूँ अपनी आईज़ के ऊपर एंड लुक एट दिस कलर, बहुत ही प्यारा पिंक कलर, एकदम हॉट पिंक कलर है। एंड इसमें साइन काफ़ी अच्छा खासा आपको मिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा साइन करता है। अगर आप वेडिंग वगैरह में इस तरह के ग्लिटर्स यूज़ करोगे, मतलब चार चांद लगा देगा आपके मेकअप में। तो इसको मैं हल्के हल्के हाथ से अपनी आईज़ के ऊपर पूरा अप्लाई कर रही हूँ एंड ये फॉल आउट भी नहीं होता है, बहुत ही अच्छे से आपके आईज़ के ऊपर स्टिक हो जाता है एंड जल्दी निकलता भी नहीं है।
तो ये मेरा आई लुक कुछ इस तरह से क्रिएट हुआ है। एंड अब मैं ज़्यादा इसको हैवी नहीं करने वाली हूँ। एंड अब जूम करके मैंने आपको दिखा दिया, जूम करके कुछ ऐसा लुक लग रहा है। एंड देन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लैक कलर का जेल आईलाइनर, जिसको मैंने आईब्रोज वाली ब्रश से ही इसको मैंने अप्लाई कर लिया है, क्योंकि उसका जो ब्रश है काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज रहता है, तो काफ़ी अच्छे से उससे अप्लाई हो जाता है। एंड मैंने ऑफ कैमरा फॉल्सेस भी अप्लाई कर लिए, काफ़ी टाइम के बाद से आज मैंने अप्लाई किया था तो काफ़ी ज़्यादा हैवी लग रहा था। एंड देन मैंने मस्करा को अप्लाई किया ताकि फेक और ओरिजिनल दोनों मिक्स हो जाए, अलग अलग ना दिखे। और आज मैं लोअर लेसन पे कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, उसको आज मैंने खाली छोड़ दिया, तो सिर्फ मैंने मस्करा अप्लाई किया, फिर भी आँखें मतलब काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। एंड इसके बाद से मैंने थोड़ा सा ब्लश अप्लाई कर लिया अपने चीक बोन्स पे, नोज़ के ऊपर, और मैंने आज अच्छे से पूरा ब्लश अप्लाई किया थोड़ा सा विंटर वाला फील आने के लिए। एंड देन मैंने अपने नोज़ के टिप पे लिक्विड हाइलाइटर को यूज़ किया, एंड इसका ग्लो काफ़ी अच्छा खासा आता है। एंड थोड़ा सा मैंने अपने चीक बोन्स पे, चिन एरिया पे मैंने अच्छे से हाइलाइटर को अप्लाई कर लिया। एंड देन मैं यहाँ पे लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने अपने लिप्स को आउटलाइन किया है, एंड लिपस्टिक के लिए मैंने बहुत ही न्यूड सा कलर अप्लाई किया, न्यूड पिंकिश कलर, क्योंकि पूरा आईज हमारी जो पॉपअप हो रही है तो उसमें न्यूड कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। एंड थोड़ा सा अपने लिप्स को और बोल्ड करने के लिए मैंने लिप ग्लॉस अप्लाई कर लिया, एंड इससे जो पूरा विंटर वाला लुक आ रहा है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है इससे। एंड देन मैंने अपना आउटफिट चेंज कर लिया, एंड उसके साथ मैंने गोल्डन कलर का बहुत ही बड़ा सा एक झुमका पहन लिया, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है ये। एंड जितने प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं सारे प्रोडक्ट्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया, तो आप चेकआउट कर लेना और मेरा कूपन कोड यूज़ करना मत भूलना। सो ये रहा मेरा पूरा फाइनल लुक, कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लग रहा हो तो एक रेड हार्ट जरूर दे देना। एंड बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।